और अभी आपको बताएं, रूस से खाम तेल दरामद करने के हवाले से बड़ी पेशकश सामने आई है। पाकिस्तान की सरकारी निजी ऑयल रिफाइनरीज ने रूसी खाम तेल रिफाइन करने की सलाहियत से आगाह कर दिया। ऑयल रिफाइनरीज ने पेट्रोलियम डिवीजन के 5 सवालों का जवाब दे दिया है। इसी पर मजीद तफसीलात जाने के नुमाइंदा खसूसी सुहेल भट्टी से। सुहेल भट्टी, रूस से खाम तेल दरामद करने के हवाले से जो अहम और बड़ी पेशकश सामने आई है, इस मुतलिक बताइएगा। जी बिल्कुल, प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ के हदायत पर पेट्रोलियम डिवीजन ने तमाम रिफाइनरीज को एक खत लिखा था और जिसमें पूछा गया था कि क्या ये बात दुरुस्त है कि पाकिस्तान की ऑयल रिफाइनरियां रशियन क्रूड ऑयल को प्रोसेस करने की सलाहियत रखती हैं या नहीं, इसको वाजे किया जाए। और 4 मजीद सवाल थे। 92 न्यूज को मसूल होने वाले इन रिफाइनरीज के खत की कॉपी के मुताबिक पेट्रोलियम डिवीजन को कन्फर्म कर दिया गया है कि पाकिस्तान की रिफाइनरियां रूस का खाम तेल प्रोसेस करने की सलाहियत रखती हैं, रूस के साथ खाम तेल से पेट्रोलियम मसनूआत तैयार की जा सकती हैं और इस सिलसिले में 13 ऐसे मुख्तलिफ टाइप्स के क्रूड ऑयल हैं जिनको पाकिस्तान की रिफाइनरियां प्रोसेस कर सकती हैं, पेट्रोलियम मसनूआत तैयार कर सकती हैं, जिसमें पारको, उसके साथ सिनर्जी को, PRL और NRL ने अपनी पोजिशन वाजे की है पेट्रोलियम डिवीजन को। और इसके साथ ये भी बताया गया है कि जो सऊदी अरब और अरब ममालिक से जो मुख्तलिफ वादे किए गए हैं खाम तेल बरामद करने के हवाले से और कुछ दीगर कॉन्ट्रैक्ट्स हैं, उन वो कॉन्ट्रैक्ट्स और सऊदी अरब के साथ मुआहदे भी मुतासर नहीं होंगे, इजाफी गुंजाइश भी मौजूद है और इसको पाकिस्तान की रिफाइनरियां प्रोसेस करने की सलाहियत रखती हैं। ज़राए का ये कहना है कि अगर हुकूमत इन रिफाइनरियों को पेमेंट के हवाले से तो मैकेनिज्म वजह कर दे, क्योंकि डॉलर में पेमेंट नहीं हो सकती, ये बात वाजे की गई है, तो उसके नतीजे में सालाना 1.5 अरब डॉलर की ज़र मुबादला की बचत हो सकती है। रूस की कोर्ट पर पहुंचेगा और जबकि जो अरब मार्केट से खाम तेल पहुंचते हैं वो 2 से 3 दिन में यहां पहुंचता है। अरब मार्केट से आने वाले खाम तेल का जो फ्रेट चार्जेज हैं वो 1 से 2 डॉलर फी बैरल हैं, जबकि रशिया से आने वाले खाम तेल। ठीक है सुहेल भट्टी, बहुत शुक्रिया तफसीलात से आगाह करने के लिए।